नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। जी हाँ, आइए आज हम सभी जानते हैं बच्चों से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। शिशुओं में नाभि का बाहर निकलना हो सकता है अम्बिलिकल हार्निया। आइए जानते हैं इसी बारे में संपूर्ण रूप से, विस्तृत रूप से। जी हाँ, कई शिशुओं की नाभि बाहर को निकली हुई होती है या सामान्य से ज्यादा ऊपरी हुई होती है और बड़ी होती है। इसका कारण अम्बिलिकल हार्निया हो सकता है। सामान्यतः शिशुओं में समस्या अपने आप ठीक हो जाती है ऐसी, मगर यदि 3 से 4 साल की उम्र तक भी शिशु की नाभि उभरी हुई और बड़ी हो तो ये अम्बिलिकल हार्निया का संकेत हो सकता है। आइए आपको आज बताते हैं अम्बिलिकल हार्निया क्यों होती है और ये समस्या कैसी है। शिशु की सबसे पहले नाभि जानते हैं। बच्चे के जन्म से पहले शिशु के विकास के लिए जो भी जरूरी पोषक तत्व चाहिए वो उसे माँ द्वारा गर्भनाल से मिलता है। यह गर्भनाल शिशु के पेट पर नाभि वाली जगह से जुड़ी होती है। जन्म के बाद शिशु के साथ ये गर्भनाल भी बाहर आ जाती है। जन्म के बाद इस नाल को बांधा जाता है और काट दिया जाता है। चूंकि इस नाल में कोई नस नहीं होती है इसलिए शिशु को दर्द नहीं होता है। अगर इसे बांधा नहीं भी जाता है तो स्वाभाविक रूप से खुद ही बंद हो जाती है। ये क्यों होता है अम्बिलिकल हार्निया? जी हाँ, ये जानते हैं। जन्म के 3 साल बाद तक शिशु के तमाम अंदरूनी अंगों का विकास होता है। ऐसे में अगर कोई आंतरिक अंग शिशु के पेट में कमजोर हिस्से पर दबाव बनाता है तो वो हिस्सा उभर आता है। इसी स्थिति को अम्बिलिकल हार्निया कहते हैं। बच्चों में ये हार्निया सामान्य है, मगर बड़ों को भी ये समस्या हो सकती है। सामान्यतः शुरुआती दिनों में 10% बच्चों में ये समस्या होती है, जिनमें से ज्यादातर बच्चों में ये अपने आप ही ठीक हो जाती है। अब जानते हैं उभरी हुई नाभि का क्या इलाज है। जी हाँ, अगर शिशु की नाभि उभरी हुई है 3 से 4 साल की उम्र तक ठीक नहीं होती है तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है। कई बार बच्चे को इस हार्निया के कारण दर्द होता है या ब्लड सर्कुलेशन में समस्या आती है तो भी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। कई बार बच्चों के पेट में दर्द का कारण आत्म मरोड़ भी हो सकता है, इसलिए ऐसे स्थिति में डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कैसे अम्बिलिकल हार्निया की जांच की जाए। आमतौर पर डॉक्टर्स शिशु की नाभि देखकर अम्बिलिकल हार्निया के बारे में पता लगाते हैं। कई मामलों में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के द्वारा इस बात की जांच की जाती है कि अम्बिलिकल हार्निया के कारण शरीर में कोई परेशानी या किसी अंदरूनी अंग का दबाव तो नहीं है। इसके अलावा ब्लड इन्फेक्शन या इस्केमिया की आशंका होने पर खून की जांच भी की जाती है। तो ये तरीका है उसको जांचने का। जी हाँ, कैसी लगी ये जानकारी आप सभी अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और अगला एपिसोड में आप सभी के लिए नया लेकर के आऊँगा। उससे पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई जानकारी जब भी आप सभी के लिए लेकर के आएँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।